NCERT द्वारा प्रस्तुत है। पाठ 3, नादान दोस्त, पृष्ठ संख्या 13। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता, दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे? किस रंग के होंगे? कितने होंगे? क्या खाते होंगे? उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे? बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? घोंसला कैसा है? लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठे थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे? गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। पृष्ठ संख्या 14। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना? केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वो तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी? केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। पृष्ठ संख्या 15। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थीं। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ? अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे।
ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगीं। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कारनेस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कारनेस पर था, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। पृष्ठ संख्या 16। केशव ने ज्यों ही कारनेस पर हाथ रखा दोनों चिड़ियां उड़ गईं। केशव ने देखा कारनेस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं, उन पर तीन अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? केशव, तीन अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिर गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियां बार बार कारनेस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां की थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूं। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो चार सर ना हो जाते? श्यामा, हो जाते हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना, किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे ना दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। पृष्ठ संख्या 17। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली।
किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे पड़ गई। वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है, तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। पृष्ठ संख्या 18। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में। देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो दो चार दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। पृष्ठ संख्या 19। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल था में नहीं खड़ी थी? श्यामा, तू मैंने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, तीन जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़ियां वहां फिर न दिखाई दीं। लेखक प्रेमचंद। पृष्ठ संख्या 20। प्रश्न अभ्यास। कहानी से प्रश्न 1, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? प्रश्न 2, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? प्रश्न 3, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? कहानी से आगे। 1, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? 2, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? 3, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? अनुमान और कल्पना। 1, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। 2, पाठ सुनकर मालूम करो कि दोनों चिड़ियां वहां फिर क्यों नहीं दिखाई दीं? वे कहां गई होंगी? इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। 3, केशव और श्यामा
चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। भाषा की बात। एक, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। इस उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूं, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? पृष्ठ संख्या 21। दो, तगड़े बच्चे, यहां रेखांकित शब्द है तगड़े। मसालेदार सब्जी, रेखांकित शब्द मसालेदार। बड़ा अंडा, रेखांकित शब्द बड़ा। यहां रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम चार गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। तीन, क, केशव ने झुंझलाकर कहा, रेखांकित शब्द झुंझलाकर। ख, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, रेखांकित शब्द बनाकर। ग, केशव घबराकर उठा, रेखांकित शब्द घबराकर। घ, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, रेखांकित शब्द टिकाकर। ञ, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, रेखांकित शब्द गिड़गिड़ाकर। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से सुनो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे क्रिया हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन पांच क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। चार, यहां प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे सुनोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाले, खोमचे वाला, कहिए क्या दूं? भूख लगाई ना, अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटे राम, अबे क्या कहता है, यहां क्या किसी साधु से कम है, चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख न लगे। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, देखूं तो वहां क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। पृष्ठ संख्या 22। कुछ करने को। गर्मियों या सर्दियों में जब तुम्हारी लंबी छुट्टियां होती हैं तो तुम्हारा दिन कैसे बीतता है? अपनी बुआ या किसी और को एक पोस्टकार्ड या अंतर्देशीय पत्र लिखकर बताओ। पाठ समाप्त। अभी आप सुन रहे थे ये पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।